आप लोग इनको नवाज रहे थे तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। कटे है बाजू मगर हौसले निदान नहीं है। और हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में किसी यजीदी खजाने में इतना हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं। और हजरत ये शेर भी सुन लीजिए, बड़ी हुई थी जो नदी वो घट रही थी यहाँ, बड़ी हुई थी जो नदी वो घट रही थी यहाँ, बड़े सुकून से अपनी भी कट रही थी यहाँ। यहाँ के लोग नमाजें हुआ चला गया, यहाँ के लोगों का तो हरान लेना सही है। बड़े सुकून से अपनी भी कट रही थी यहाँ, और अमीर शहर से कहते को झोलिया भरने हुसैन के अली के लाल की सैराब कट रही है यहाँ। अमीर शहर से कहते के झोलिया भरने अली के लाल की सैराब कट रही है यहाँ, अली के लाल की सैराब कट रही है यहाँ। हजरत बसरा नासरिया के रहने वाले शेख कबीर अहमद रिफाई रोजे रस्म पर हाजिर हुए, जाकर के सलाम अर्ज किया और अरीजा पेश करते हैं, मेरे आका ये कबीर अहमद रिफाई आपसे मुसाफा करना चाहता है। हजरत मुस्तफा जान रहमत की कब्र अनवर से मेरे नबी का मुकद्दस दस्ते मुकद्दस शेख कबीर अहमद ने मुसाफा किया। सुभान अल्लाह, दस्ते मुबारक को चूमा, लोगों ने शेख कबीर अहमद से पूछा, ऐ शेख जरा ये बताइए आज आपने हुजूर अकरम के दस्ते मुबारक को चूमा है, ये मौका बड़े बड़े जो है ये बड़े 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 अल्लाह वालों को नहीं मिला, ये आपको इतने बड़ा मौका कैसे मिला। हजरत मोहतरम शेख कबीर अहमद रिफाई बताने लगे उनको, सुनो इसकी वजह यह है कि आज मैंने हुजूर अकरम के जो है मुबारक दस्ते मुबारक को चूमा है। विसाल होने के बाद वो फरमाने लगे कि मैंने देखा एक बस्ती के अंदर एक जख्मी कुत्ता था, जख्मी कुत्ता जो है सर पर उसके चोट थी, बड़ा परेशान था। मैंने उस कुत्ते को पकड़ा, मैंने कुत्ते को पकड़ने के बाद उस पर मरहम पट्टी करना शुरू किया। तकरीबन 14 दिन लगे मैं उस पर मरहम पट्टी करता रहा, कुत्ता ठीक होता रहा। जैसे जैसे वो कुत्ता ठीक होता रहा मैं रब के करीब होता रहा, मैं रब के करीब होता रहा। शेख कबीर अहमद की वो अदाई पसंद आई, शेख कबीर अहमद मुबारक पहुंचे थे जो है मजारे रसूल पर पहुंच कर जो है मेरे नबी से मुसाफा किया। दोस्तों जब हम आपस में अपने भाइयों से मोहब्बत करेंगे, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ताला हम पर कितना करम फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आप अल्लाह के करीब कैसे बने, करीब अल्लाह का खिताब आपको कैसे मिला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं बकरियां चरा रहा था, मेरी एक बकरी जो है चलते चलते दूर चली गई, मैं उसको तलाश करने लगा। शाम का टाइम हो गया, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने अपने हाथ में डंडा लिया, दिल के अंदर ख्याल था बकरी मुझे जहां मिलेगी उसको मार कर गिरा दूंगा। डंडा लेकर बकरी को तलाश करने के लिए चला, मैंने जाकर के देखा दूर जाकर जंगल में बकरी एक जो है गुफा के नीचे खड़ी है। मैंने जब बकरी को देखा बड़ा गुस्सा मुझे आया, डंडा मेरे हाथ में था, मैंने सोचा इसको मार कर जमीन पर गिरा दूं। बकरी ने जो ही मुझे देखा, बकरी मुझे देख कर रोने लगी, मुझे बकरी पर बड़ा रहम आया, मुझे बकरी पर बड़ा तरस आया। मैंने डंडे को फेंका, बकरी के सर पर बड़े प्यार से हाथ फेर कर उसको गले लगा लिया। बकरी को बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा, बड़ा बकरी को प्यार किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत अब आप अंदाजा लगाएं एक जानवर से प्यार किया उसको भी पकड़ा। दोस्तों हम मुसलमान हैं, ये इस्लाम करता है, हमें इन बातों पर बहुत गौर करना चाहिए। मेरे हाल जो है आज माशाल्लाह अल्लामा सद्दाम ने उम्दा से उम्दा शोरा यहाँ जो बुलाए थे और बेहतरीन से बेहतरीन